गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा हिंदी भवन भोपाल में एक ग्लोबल कॉन्क्लेव व अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में देश विदेश के सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नत्थाराम निदेशक स्टील मांड प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने की। प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर बीपी अशोक थे। इस अवसर पर डॉक्टर बीपी अशोक ने कहा कि समाज में जो लोग प्रगति पथ पर अग्रसर हो जाते हैं उन्हें चाहिए कि वह समाज को भी जागृत करें एवं समाज में अपना योगदान दें। सभाजीत यादव सेवानिवृत्त आईएएस, आरएस वर्मा आईईएस पुणे, आरके मेहरा सचिव पीडब्ल्यूडी भोपाल, डॉक्टर आयशा अली रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक भोपाल, शशि आर सी कुरिल जबलपुर, एस के सदावर्ते कैलाश चंद्र मीणा, दिलीप सिंह जे एन कसोटिया, आर के मेहरा विभाग एच एल चौधरी, अपर संचालक जनसंपर्क जैसे लोग उपस्थित रहे। प्रारंभ में प्रकाश श्री प्रकाश सिंह निमराजे गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने कहा, हमारी संस्था का उद्देश्य सामाजिक चेतना को जागृत करने हुए समाज के हर बच्चे को शिक्षित बनाना है। इस अवसर पर संस्था की ओर से उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 71 लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बुद्ध वंदना सावित्री बाई पर सिंधु धौलपुरे के निर्देशन में एक नाटक की भी प्रस्तुति की गई। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.